लीवर को खराब नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब आप कहोगे कि हम इतना बोलेंगे तो क्रोध चला जाएगा। यकीन मानिए, ये विचार आते ही कि मैं क्रोध करके अपने शरीर का नुकसान नहीं करूंगा, ये विचार आते ही आपके क्रोध का वेग जो है वो पहले से ही नीचे आने लग जाएगा। और एक आपको बहुत कीमती यौगिक टिप देती हूँ कि उस समय पर आप एक गहरा श्वास भरिए और दुगना डबल मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। तो एक लंबा श्वास भरा और दुगनी लंबाई में, मतलब धीरे 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 श्वास जो है वह आप बाहर छोड़ दीजिए। फिर श्वास भरिए, फिर छोड़िए, फिर श्वास भरिए, फिर छोड़िए। शुरू शुरू में हो सकता 15 मिनट भी लग जाए, फिर धीरे धीरे हो सकता 10 ही में काम हो जाए, फिर हो सकता धीरे धीरे 5 ही मिनट में काम हो जाए, और फिर धीरे धीरे ये हो सकता है कि मात्र ये विचार कि क्रोध से मेरा नुकसान हो रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुरंत आपकी वो जो क्रोध की लहर उठी होगी ना, वो नीचे चली जाएगी। क्योंकि जब मेरा नुकसान है, जब कोयला हाथ में मैं पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जलता है, ऐसे क्रोध अगर मैं अपने मन में करता हूँ तो मेरा मन जलता है, मेरे मन को कष्ट होता है, और शरीर में जो हमारा यकृत है ये खराब होता है। और लीवर ऐसा छुपा हुआ प्राणी है कि इसका खराब होने का तो पता भी नहीं चलता है। बंदे को लगता मुझे इंडाइजेशन है, पचना थोड़ा दिक्कत में है, बंदे को लगता है थोड़ी गैस ज़्यादा हो रही है, बंदे को लगता है शायद थोड़ा कब्ज रह रही, ऐसे ही तो चलो ये चूर्ण खा लो वो चूर्ण खा लो, ये नहीं पता होता कि उसका लीवर फैटी हो रहा है, उसमें वसा चर्बी जो है वो इतनी जमती जाती है कि एक समय के बाद जा करके वो लीवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो बिल्कुल जाम होने लग जाते हैं। इसलिए अपने लीवर की जिम्मेदारी आपके सिर पे है, वो किसी और के सिर पर नहीं। तो सामने वाला दुनिया भर का उल्टा काम चाहे कर रहा हो, तुमने अपने आप को याद कराना है, मैंने मेरा लीवर नहीं बिगाड़ना है। हाँ, तो उस जगह से थोड़ी देर दूर चले जाइए, बाग में चले जाए, घर की छत में चले जाए, ऑफिस में हो तो बाहर चले जाए, जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस और अपने श्वास के ऊपर थोड़ा सा कार्य करिए। और श्वास पे कार्य करने के लिए आपको याद रखना होगा ना पहले कि श्वास ठीक से लेना ही कैसे है। अगर आप श्वास ठीक से नहीं लेते हैं और ये अभ्यास रोज नहीं करते हैं, तब आप ये मेरी बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अभी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराती हूँ। थोड़ी सी कुर्सी से अपनी पीठ अलग कर लीजिए और थोड़ा सीधा होके बैठिए। अब आप एक श्वास भरिए इस तरह से कि श्वास से आपका पेट फूले। धीरे धीरे लीजिएगा श्वास। अब आपका श्वास यहां तक है, लेकिन अभी थोड़ा और खींचेंगे तो छाती तलक, थोड़ा और लंबा श्वास भरेंगे तो। और अगर थोड़ा ऐसा हाथ खोल के एक और खींचेंगे तो ये जो आपकी क्लेवेकुल बोन है यहां तलक, वो हवा जो है वो भर जाएगी। एक बार अब इसको आप करिएगा। पहले श्वास भरिए, पेट पे ध्यान रखिएगा, श्वास भरिए पेट तक, थोड़ा और भरिए सीना, और फिर छोड़िए। यहां से गई। नॉर्मली हम बेहोश रहते हैं और श्वास पूरा गहरा नहीं भरते हैं। ये इसको मैं कहती हूँ यौगिक ब्रीदिंग। अब इसका जो अभ्यास है उसको करने के लिए थोड़ी देर एक बार फिर से करते हैं। यहाँ नाभि के ऊपर अपना हाथ रखिए दायना, कीप योर हैंड ऑन योर नेवल, और एक श्वास भरिए। और श्वास भरने से आपका ये उदर जो है, पेट जो है, ये थोड़ा सा फूलेगा। आप इसको घर में जरूर करिएगा। शुरू में यहाँ नाभि पे हाथ रख लिया, कम से कम 11 या 21 श्वास भरे छोड़े कि आपको
जो फिजिकल मूवमेंट है स्टमक की वो महसूस हो जाए, फिर सीने पे हाथ रख और फिर बाद में कंधों पर दोनों हाथ रख के ये आपको महसूस हो कंधे ऊंचे उठते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स अपवर्ड फैलते हैं, सामने को भी फैलते हैं, एक्चुअली पीछे को भी फैलते हैं, साइडवेज भी फैलते हैं। मैंने श्वास पूरा लंबा अंदर लिया और पूरा लंबा गहरा श्वास आपने बाहर छोड़ा। अब ये क्या करेगा, आप इसे कल सुबह जरूर करिएगा, आप देखेंगे कि इससे आपकी नाड़ी गति शिथिल होने लग जाती है, हार्ट रेट कम होने लग जाता है, जिसके प्रभाव से शरीर में एंजाइटी, जो मन में एंजाइटी होती है, जो तनाव आता है, वो तनाव जाने लग जाता है, एंजाइटी का लेवल कम होने लग जाता है, और आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, जो पुरुषों और स्त्रियों में बराबर होता है, उस हार्मोनल सिस्टम की एक्टिविटी बड़ी अच्छी बैलेंस की तरफ धीरे 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 जाना शुरू हो जाती है। इसलिए क्रोध से आप किसी और का नुकसान नहीं करते हैं, क्रोध से सिर्फ तुम अपना नुकसान करते हो। इसी तरह जब तुम चिंता करते हो तो किसी और का कुछ चिंता करने से तो तुम सुधार नहीं कुछ भी पाओगे, जब चिंता करते हो तो बस अपना ही बिगाड़ होता है। और जब तुम बात बात में दुखी रह जाते हो तो दुखी होने से भी क्या होता है, दुखी होने से भी आप अपने शरीर को रोगी करते हो। और तुम लेफ्ट राइट अपने देख लेना, घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, पड़ोसी हो, आपके बिजनेस के, आपके ऑफिस के लोग हो, आपको थोड़ा ये नज़ारा सब जगह मिल जाएगा। शरीर से स्वस्थ थोड़े लोग कम हैं आज और मन से बीमार थोड़े ज़्यादा हैं आज। कारण साधना नहीं है, भक्ति नहीं है। तो जब जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब जीवन में कोई आराधना नहीं होगी, जब जीवन में कोई साधना नहीं होगी, तो फिर शरीर तो कष्ट पाएगा ही ना, शरीर तो फिर स्वस्थ कैसे रह सकता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बड़ा सुंदर ये श्लोक है, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परणतप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। भगवान कहते हैं जिसके मन में अश्रद्धा है, जिसके मन में अश्रद्धा है, वो व्यक्ति धर्म की महिमा को भी नहीं समझता है, धर्म का पालन भी नहीं करता है, धर्म को जो देता है ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि, ऐसे महात्मा पर भी उसकी कोई भाव जिसकी नहीं होती है, वह लोग माम अप्राप्य, वो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, मृत्यु संसार वर्तमणि, वो इसी संसार में, वर्त मतलब चक्र, सर्कल, सर्कल क्या है, इसमें एंड और बिगिनिंग कुछ नहीं है, बस वो तो यूं यूं गोल घूमता है। तो संसार को हमेशा चक्र कहा गया, क्यों, जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर बालक, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, और कई बार फिर कर्म अनुसार बचपन में ही मृत्यु, फिर नया जन्म, फिर जन्म के कर्म अनुसार उसका बचपना, फिर उसकी जवानी, और फिर कई बार जवानी में ही मर जाता है, फिर नया जन्म, फिर जन्म में हो सकता है कि वो लंबा जिए। कई बार कई लोग कहते हैं लंबा जीने का आशीर्वाद दो, सच जानिए, मेरी एक शिष्या है न्यू जर्सी में, उनकी इस समय आयु है 102 वर्ष, गुजराती हैं, और वो जब मुझे मिलती हैं पिछले लगभग 4 साल से, कोविड से पहले से, वो मुझे बार बार एक ही बात कहती है कि बस अब और नहीं जिया जाता है, इस शरीर के साथ अब जीना अच्छा नहीं लगता है, कब मरूंगी, कब जाएगा ये शरीर, अब जिया नहीं जाता है। पिछले लगभग 15-16 साल से, मतलब जब तक वो 97 साल की थी, 96 तक की, तब भी वो काम करती थी, तब भी वो वहाँ गाड़ी चलाती थी, और किसी हॉस्पिटल में या किसी खाने पीने के कैफे में वहाँ पर जाके वो काम करती थी, और वो लोग
ऐसा काम देते थे जो आसान है कि उसका दिल लगा रहे, और मोर ओवर मैंने उसको पूछा, तुम क्यों काम करते हो, तुम्हारा बेटा है, बहू है, पोते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तुम क्यों काम करती हो, और तुम्हें तुम्हारी पेंशन भी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन भी मिलती, तुम क्यों काम करती हो। कहती मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे सेवा करनी है और आपके पास आना है। मैं अपने लड़के और बहू के सामने यूं हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मेरी इंडिया की टिकट करा के दो, मैं उनसे ये नहीं करूंगी, अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो। दूसरे, आपकी सेवा करनी है तो मैं जब कमा लेती हूँ तो वो मैं आपकी सेवा में अर्पित कर सकती हूँ, मैं और तो इस कुछ करने लायक नहीं हूँ, तो इतना करके मेरे मन को खुशी मिलती है कि मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो। आप हैरान होंगे कि न्यू जर्सी में हमारे जो टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ का एक बहुत लोकल अच्छा चैनल है, अभी तो इंटरनेशनल चैनल है, उस चैनल के जर्नलिस्ट को मिलना, प्रोड्यूसर को मिलना, मालिक को मिलना, और कि घुमा रहे हैं, एक इंटरव्यू रखिए, आप इंटरव्यू करिए, फलां करिए, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम वो करती थी। कहती मैं चाहती हूँ कि आप इतने दूर हमारे लिए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिलें, सुने, सत्संग का लाभ लें। तो 97 साल की उम्र तक वो काम करती है और ड्राइव करती है, और फिर फाइनली वो तो होना ही था, फिर एक समय आया कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने काट के नहीं, अब नहीं आप चला सकते। अंदर अंदर चलाती थी गाड़ी, घर से मतलब 2-4 किलोमीटर दूर तक उसके काम की जगह होती थी, लेकिन सत्संग श्रवण करना और साधना करना ये जीवन का उनका एक बहुत बड़ा आधार है। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि अब शरीर नकारा हो रहा है, अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा, कब जाऊंगी मैं, मुझे क्या मालूम, मेरी कोई धर्मराज से फोन में तो बातचीत होती नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि ये कब जाएगी, तुम कब इसका शरीर अंत कर रहे हो। मैंने कहा ना तो यमदेवता से बातचीत है तो ना तो धर्मराज से मेरी बात है, मैं इस बात का आपको कैसे उत्तर दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बस अब मेरी प्रार्थना जो है यही है, अब ये शरीर जाए ताकि नया शरीर मिलेगा तो अपनी साधना में फिर अच्छे से कर सकूंगी, ये जन्म तो सारा मेरा बेकार गया। आयु बड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन अब जीने की इच्छा उस जर्जर उस कमजोर शरीर से अब खत्म हो चुकी है। और जीने का आधार और जीवन का लक्ष्य क्या था, श्रद्धा से परिपूर्ण मन है, गुरु पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, और यही श्रद्धा उसको कहती है कि अगर इस जीवन में उसने ज्ञान के रास्ते पे तुझको चलाया है तो आगे श्री कृष्ण ने वचन दिया ना भगवद गीता में, श्रीमान कुल में जन्म होगा साधक का, और उस श्रीमान कुल में जहां संत महात्मा आते होंगे और इसको सत्संग मिलेगा, और जितनी साधना छूटी है वहीं से साधना उसकी फिर से शुरू हो जाएगी। और यथार्थ मैं कह रही हूं, बिल्कुल सत्य है कि आज मैं पिछले कई सालों से ये देखती हूं, चूंकि कन्याओं का नामकरण मैं करती हूँ, आपको मालूम ही है एक समय तक लोग भ्रूण हत्या करते थे, फीमेल फिटिसाइड करते थे, बच्चियों को मार देते थे, अल्ट्रासाउंड कराया लड़की है अबॉर्शन हो जाते थे, सरकारों ने नियम बनाए, दंड लगाए, जाने क्या कुछ किया, लेकिन लोगों की सोच वही है, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तब उस समय पर आज से कोई लगभग 22 वर्ष पहले मैंने लोगों को ये कहा कि आप पुत्र ही चाह रहे हो, पुत्री से तुमको तकलीफ हो रही है, तो ये जो आपके सामने जिसको तुम गुरु मानते हो, जिसको तुम प्रणाम करते हो, जिसको तुम ईश्वर तुल्य पूज रहे हो, क्या मैं एक लड़की, एक कन्या, एक स्त्री नहीं हूं? तो जब आप मेरे से इतनी श्रद्धा का रिश्ता रख सकते हो तो आपको अपने ही घर में उत्पन्न कन्याओं से इतना द्वेष क्यों है? तो मैं कहती थी स्वागत करो जब कन्या आए, और अगर तेरे कन्या होगी तो उसका नामकरण मैं खुद करूंगी। तो एक सन्यासी होने के बावजूद फिर मेरे शिष्यों के यहाँ जहाँ कोई बच्ची पैदा होती थी, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, जो गोद में लेके जो सबसे कम आयु की बच्ची जिसका मैंने नाम रखा है, आप सुन के हैरान होंगे, वो मात्र 12 घंटे पहले पैदा हुई थी, और उसकी माँ और उसके पिता और दादी और दादा
वो सीधे हॉस्पिटल से, हे भगवान कैसे उस देवी को ले आए, और अभी वो हॉस्पिटल की मतलब पहने हैं पेशेंट वाले जो कपड़े होते हैं, और वो कहती है आपने सुबह चले जाना है, आप सुबह चले जाएंगे, राजकोट की बात है गुजरात की, मेरी बच्ची का आप नामकरण कर दीजिए मेरे, ये बहुत बहुत ही 12 घंटे पहले वो बच्ची पैदा हुई है, उस बच्ची का नामकरण किया, किस लिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कन्या बोझ है, बोझ नहीं कन्या शक्ति होती है, कन्या है बेचारी होती है, मैं बेचारी नहीं बुरानी की झांसी होती है, कन्या न दीन होती है न हीन होती है, और कम से कम भारतवर्ष में रहने वाले हम सब प्राणियों को तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, मुझे भी मालूम, पर आप में से कितने लोग जानते हैं कि कश्मीर के जो आखिरी हिंदू राजा हुए थे वो ललिता आदित्य, और बाद में उनकी पुत्री वो महारानी बनी थी, तो आखिरी जो महारानी है वो एक स्त्री थी जिसने वीरगति बाद में प्राप्त हो गई थी उनको, तो कन्याओं से तुमको इतनी घिन क्यों है, इतना द्वेष क्यों है, कन्या का तो स्वागत होना चाहिए, और सशक्ता है, सशक्ता इतनी है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, 9 महीने जो गर्भ पाल सकती है और प्रसव जब करती है तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर में कोई 50 हड्डियों को तोड़ रहा हो, इतना भयंकर कष्ट स्त्री को होता है, लेकिन वो अपने बच्चे का मुख देखने के लिए इस नेचुरल बर्थ को करती है, उस पीड़ा को सहती है, और उस पीड़ा का 1/4 भी अगर किसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से, एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम मैंने देखा था कि पुरुष है उसके शरीर में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए और उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इलेक्ट्रिक करंट दिया जिससे स्पैजम जो है मैंने सिकुड़ना उसके मसल्स में और बहुत डीप हुआ, जो चीखें उन बंदों ने फिर मारी हैं, जब आए थे तो कहते ले कौन सी बड़ी बात है, मुच्छों को ताव देते आए हैं अपनियाँ, है ना, क्या कुंडी वाली मुच्छें है ना, बड़ी बड़ी मुच्छें, और किन दाढ़ी में हाथ फेर फेर के कहा ऐसे ही है, क्या दर्द होती होगी, वो लो फिर उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन कराया, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए, जब करंट दिए तो वो चीखे वो चीखे, तो कितनी शक्तिशाली माताएं होती हैं, 9 महीने तक पालती, नहीं तो एक ट्रायल करके देख लो, एक 4 किलो का कम से कम पानी से भरा हुआ वो अपने ना कमर पे पुरुष लोग बांध लें एक बेल्ट की तरह, जरा रखो उसको 1 महीने, उसी में उठना उसी में बैठना हाँ उसी में सोना, और बार बार बाथरूम जाना क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है तो स्त्री को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, मतलब जन्म देने की तो बात छोड़िए, वो 4 महीने ही जरा बांध के देख लेना कि स्त्री किस, कौन कहता है स्त्री में बल नहीं होता, कौन कहता है स्त्री कमजोर होती है, ये बात किसी स्त्री ने तो कभी नहीं कही होगी, पर धन्य है हमारी स्त्रियां, पुरुषों ने बोल बोल के तू कमजोर है तू कमजोर है, वो भी दोहराने लगी हाँ जी कमजोर हूँ हाँ जी कमजोर हूँ, तो जो पुत्रों को जन्म देती है वो जन्म देने वाली माता कैसे कमजोर हो सकती है, तो शक्ति रूपा होती है, लेकिन जब आप ज्ञानहीन होते हैं फिर भले आप शरीर से पुरुष हो या आप शरीर से स्त्री हो, जिसका मन कमजोर है वो तो दुखी दुखी रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चक्र है संसार, इस संसार के चक्र से जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना मरना जो चलता है वो खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आप धर्म की शरण में नहीं गए और आपके चित्त में श्रद्धा के फूल नहीं खिले हैं, तो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति बार बार जन्मते हैं बार बार मरते हैं बार बार जन्म लेते हैं, वो कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि अज्ञानी आदमी की झोली में दुख अधिक होता है। Thank you.